शिवपुरी में 15 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के हितग्राहियों शिवपुरी जिले के ग्राम हातौद की ललिता आदिवासी व विद्या आदिवासी से वर्चुअली चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ललिता आदिवासी से अपने बारे में जानकारी देने के लिए कहा। ललिता ने बताया कि बड़ी बेटी 6वीं में पढ़ती है और उसे छात्रवृत्ति व स्कूल यूनिफॉर्म मिली है और सुकन्या समृद्धि योजना में भी उसका खाता खुला है, जिसमें परिवार ने 8,000 रुपये जमा किए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का भी बेटी को लाभ मिला है। दूसरा बेटा ध्रुव है, जो 2री क्लास में पढ़ रहा है, उसे भी स्कूल यूनिफॉर्म और मध्यान्ह भोजन मिलता है। तीसरा बेटा आंगनवाड़ी में जा रहा है। ललिता ने बताया कि वे स्वयं शीतला माता स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिससे गौशाला संचालित करने का काम मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ललिता जी द्वारा त्वरित रूप से दी गई जानकारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ललिता जी से कहा कि आपका पक्के घर का सपना पूरा होने जा रहा है, आपको आज पहली किश्त मिलने जा रही है। ललिता आदिवासी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने पिछड़े आदिवासी गांव के बारे में सोचा। जनमन योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं का लाभ हमारे समुदाय को उपलब्ध कराया, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। नमस्ते, मेरा नाम राम राम सा, राम राम सा। राम 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 सा। और मेरा नाम विद्या आदिवासी है। मैं आदत पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं समूह से जुड़ी हूँ। कृष्णा देवी मैया का समूह चलाती हूँ। और हमारे सब लोगों ने बताया थे कि आपके गांव में आए हैं, योजना में नई नई योजना में हमारे बच्चे के आधार बन गए, उनकी जाति बन गई और हमारी गैया को तो सुसु सेट मंजूर हो गया सर। और हमारे हम ब्याह आए थे सर, हमारी गांव में हतौद पंचायत में बहुत हमारे गांव में हतौद पंचायत में ब्याह आए थे तो पूरी सारी टपड़ी टपड़ी अति पूरी लगी सफा झोपड़ी चचाती थी। तो हम पापा से बोले, पापा तुमने हमें देखा है पटक दही मिल के जे हतौद गांव में बहुत दिक्कत आती है मुझे। हम तो शीतरी के रहने वाले हैं और आपने हमारे जंगल में क्यों गांव में डाल दिया। पापा हमारे ले जाओ, तुम्हारे पापा आए हमारे विदा कराने। तो बेटा आपका भी पक्का घर बनेगा, आपको भी नल योजना मिलेगी, आपके घर है लाइट आएगी, सब आएगा। उसे हमारे पापा से बोला, नहीं पापा हम तो जाएंगे आपके साथ। तो पापा बोले, नहीं बेटा हम तुम्हारा भी घर आएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।